राज्यसभा के नए सांसदों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान उच्च सदन की विशेष भूमिका से लेकर समितियों की कार्यप्रणाली और प्रश्नकाल के महत्व के मुद्दे पर विशेष कार्यशाला का आयोजन भी हुआ। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने विशेष अंदाज में जहां नए सांसदों को स्थायी समितियों समेत कमेटी सिस्टम की जानकारी दी, तो वहीं डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने प्रश्नकाल को सांसदों का सबसे अहम हथियार बताया। राज्यसभा के नव निर्वाचित और नाम निर्देशित नए सांसदों ने इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ सांसदों से संसदीय कार्यप्रणाली के गुर सीखे। सीपीआई के अनुभवी सांसद डी राजा ने बताया कि राज्यसभा का संसदीय कार्यप्रणाली में खास महत्व क्यों है और कानून बनाने से लेकर आम लोगों की आकांक्षाओं के मुद्दे उठाने तक में इस सदन की क्या भूमिका है। राज्यसभा एंड लोकसभा शुड नॉट बी पिट अगेंस्ट ईच अदर and we should see how the check and balances can be maintained between both the houses, keeping in view the interests of the people and the country. That is how our Rajya Sabha works. इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सांसदों से खास अंदाज में रूबरू हुए और स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी से लेकर संसद की तमाम समितियों की मुश्किल बारीकियों को सरल शब्दों में सांसदों को समझाने की कोशिश की। सांसदों के सवालों के भी इस दौरान जवाब दिए गए। In our standing committee, I promise you, in transport, travel, tourism, we've all worked there. We always say, keep the party flag outside. Your party may have a view, big view inside, but the discussions are held in a fabulous manner. It is not a, this is my personal view. I am very happy that these discussions are not on TV channels. Oh, let it live dikhaga, then we start all, acting. डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने जोर देकर कहा कि प्रश्नकाल सांसदों का सबसे अहम विधायी हथियार होता है, इसलिए सांसदों को इसके जरिए सरकार को बखूबी घेरना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द मेंबर्स टू एलिसिट इंफॉर्मेशन टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल्सो एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एक्शंस। इसके अलावा राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और सचिव ने सांसदों को राज्यसभा सचिवालय की कार्यप्रणाली और सांसदों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। रविवार को इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का दूसरा दिन है, जिसमें सांसदों को संसदीय विशेषाधिकार, एमपीलैड योजना जैसे मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। अरविंद कुमार सिंह के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।